बीएलओ घर घर जाकर कर रहे हैं सर्वे, सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित मरीजों को करा रहे हैं मेडिकल किट उपलब्ध। कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। शनिवार शाम जिला कलेक्टर प्रकाश राजपूत ने शहर के अलग अलग हिस्सों में इंसिडेंट कमांडर्स द्वारा बनाए गए मिनी कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण कर गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय निकाय विभाग की उपनिदेशक डॉक्टर अनुपमा टेलर ने बताया कि जिला कलेक्टर ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया है। उन्होंने बताया कि रामगंज थाना अंतर्गत पहाड़गंज, भगवानगंज, सुखाड़िया नगर सहित आसपास के इलाकों को मिनी कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां नियुक्त बीएलओ घर घर जाकर सर्दी खांसी जुकाम पीड़ित मरीजों का सर्वे कर उन्हें घर पर ही मेडिकल किट उपलब्ध करवा रहे हैं। टेलर के मुताबिक क्वारंटीन हुए लोगों को इंदिरा रसोई के माध्यम से घर पर ही भोजन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कंटेनमेंट एरियाज में सोडियम हाइपोक्लोराइट का नियमित छिड़काव भी कराया जा रहा है। मिनी कंटेनमेंट जोन में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उनको देखा और अजयनगर और पहाड़गंज के बहुत सारे बीएलओ से उन्होंने बात करी और बीएलओ के माध्यम से घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है कि जो भी खांसी, बुखार और जुकाम से प्रभावित व्यक्ति हैं उनको निर्देश है कि उनको घर पर घर जाकर उनके ऑक्सीमीटर से उनकी चेकिंग की जाए, उनका ऑक्सीजन लेवल नापा जाए और उनको मेडिकल किट उपलब्ध करवाया जाए। और भी विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, अगर कोई ऐसे जो है जो क्वारंटाइन सेंटर में है और जिनके घर में सारे ही अगर पॉजिटिव है, तो हमारी इंदिरा रसोई के माध्यम से ऐसे व्यक्ति जिनके घर में किसी प्रकार के कोई अगर बाहर नहीं जा रहा है, तो इंदिरा रसोई के माध्यम से हम भोजन भी प्रोवाइड करवाने का उनको काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने पैकेट फूड की व्यवस्था रखी है, साथ ही सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जहाँ जहाँ पर भी ऐसे कोविड पेशेंट आ रहे हैं कि वहाँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बैरिकेटिंग लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ जांचा गया। दौरे के दौरान अनियमितता की बात यह है कि जो हमारे बीएलओस काम कर रहे हैं वो भाग संख्या के अकॉर्डिंग हमने इनके काम का डिवाइड कर रखा है, लेकिन कुछ बीएलओ के कुछ पार्ट छूट रहे हैं, कुछ एरिया उनका जैसे रामगढ़ डिस्पेंसरी में आ रहा है और कुछ एरिया उनका अजयनगर डिस्पेंसरी में आ रहा है, तो उन समस्या का निवारण हम करते हैं। अनुपमा टेलर।